अरे सर आपके राइट में सर आपके सर सेंटर सेंटर मैम लेफ्ट में देखिए लेफ्ट 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 अरे जी यहाँ पर अरे यार अरे यार लुकिया लाइट चालू बंद कर रहा बार बार लुकिया राइट ट्रेन में पहनने वाला चलो राइट में
चलो आपके राइट में सर करण सेंटर करण सेंटर डा करण सेंटर सेंटर करण सेंटर Very bindaas filmmaker. Anurag sir, welcome and congratulations. You know, hello. Almost प्यार हो रहा है DJ मोहब्बत के साथ. तो सबसे पहले तो आप मेरे को बता दो ये Gen Z के लिए जो लेके आए हो आप और पूरा spectrum, you know, you always cover that from gangs of Vasipur to Black Friday to this. You've covered everything. ये कैसे हुआ क्या हुआ प्लीज इसकी जर्नी बताइए. ये इसकी जर्नी बहुत सिंपल सी है. वो जब आपके बच्चे होते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अब जब आपसे गुस्सा होते हैं, एक दिन ऐसे ही हो गया कि मेरी बेटी बहुत अपसेट थी, बोलती है आप नहीं समझते हो, मम्मी नहीं समझती मुझे. हाँ. वो जोन में एंड देन शी वांटेड टू हैव अ चैट विद मी. ओके. एंड शी टॉक्ड एंड धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग के लिए, जो हम लोग समझदार हो जाते हैं, हमें लगता है कि ना हम ये अभी हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ गया है. वो ये जो जनरेशन है वो उसके बाद पैदा हुई, इनको एक्सेप्ट करने चाहिए, ऐसी ही है, इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती. right. इन्हें अपने आप से समझौता नहीं करना पड़ता. हाँ, हाँ. कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने का. right. हम लोग रिप्रेस्ड टाइम्स आए थे, हम लोग के भी मतलब पहले सोचना बड़ा मुश्किल होता था कि एक लड़का और लड़की साथ में बैठे, तो हमारे फिल्म का फेमस डायलॉग है एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. हुँ. वो हमारे जमाने का है. right. ये जमाना बदल गया. दैट वर्ल्ड हैज चेंज्ड. लड़का लड़की दोस्त होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं. तो वो जो वर्ल्ड है ना, the world has changed. Yeah. as you said, lekin pehle hota tha na ghar walon ko batana bhi ki wo ladki ke sang kya kar rahe the, kahin dikh bhi gaye to wo justify karna pada. aaj ke bacche offend ho jate hain. Haan. agar aap puchho tum kya kar rahe the us ladki ka, tumse matlab it's none of your concern. theek hai, I'm saying wo zamana badal chuka hai. right. you know Mavericks ke sath aise hi hota hai. matlab dekho, thoda manmutaya hua, beti ke sath picture ban gayi. हम लोग तो मतलब पता नहीं क्या करते हैं, डांट खाते हैं, कहाँ के कहाँ चले जाते हैं. यू नो देयर इज दिस जेंटलमैन जिनके साथ आपने जब जब कोलैबोरेट किया है आग लगी है, बी इट डेव डी मनमर्जिया एंड नाउ दिस, बिकॉज जेन जी इज यू नो फ्लिपिंग ऑन दीज ट्यून्स. द म्यूजिक इज ऑलरेडी आउट. तो मैं चाहूंगा आप ही प्लीज उन्हें इन्वाइट करें. द वन द ओनली एंड माई नॉट जस्ट माई फ्रेंड एंड कोलैबोरेटर, ही ऑल्सो इज ऑलवेज बीन देयर, इज एक्सट्रीमली सपोर्टिव, अमित त्रिवेदी. ladies and gentlemen, you know, मैं सही बताऊँ, he's too young to be called a legend, लेकिन I think वो लगता है अब साथ में. अमित भाई, congratulations on this. अभी इसका कॉलर उठ चुका है. मैं कॉलर उठ चुका है अभी. कॉलर उठ चुका है, बिल्कुल उठ चुका है. अमित भाई, first of all, you know, this gentleman here, you know, कितना cool quotient रहता है जब अनुराग कश्यप की फिल्म में म्यूजिक दे रहे होते हो आप. मैं पहली बार 2007 में मिला था सर से, और 15 साल हो गए आज, 16 साल हो गए प्रॉब्ली, राइट, 16 साल हो गए. तो और जो फीलिंग तब थी आज भी सेम है, प्यार उतना ही है. और वो 2007 में जब मिला था पहली बार उनको देवड़ी का म्यूजिक सुनाने के लिए, मुझे याद है मैं अंदर इतना कांप रहा था. आई वाज सो स्केर्ड टू, अभी तो स्पेस बार दबाना पड़ता है बिकॉज यू डोंट हैव टू प्ले इट लाइव, क्योंकि सारा कुछ रिकॉर्डेड था. right. वो स्पेस बार दबाने को ही मुझे बहुत वक्त लगा. आई वाज लिटरली कांप रहा था मैं. एंड देन वो पहला गाना जब चलाया मैंने, दुनिया बड़ी गोल है. और उसके बाद से इट्स बीन अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल राइड सिंस देन टिल नाउ. एंड वी कोलैबोरेटेड बॉम्बे वेलवेट, मनमर्जिया, देव डी, बीच में भी लव शब्द, चिकन खुराना, लव शब्द, चिकन उड़ान, उड़ान, बहुत सारी फिल्में साथ में की. अब मतलब ड्रीम राइड है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ड्रीम राइड है फॉर एनी आर्टिस्ट, फॉर एनी ह्यूमन बींग टू हैव अ करियर एंड अ राइड लाइक दिस, जहाँ पर आपको आपका मन चाह आपका मन चाह काम करने मिल रहा है, भी खुली आजादी से, फुल फ्रीडम से. वो सिर्फ और सिर्फ वो सर के साथ ही हुआ है मेरा, 16 साल से चल रहा है और वो बस चलता रहे बस. I'm sure आगे भी चलता रहेगा. देव डी, यू नो, पाथ ब्रेकिंग म्यूजिक. और वो तुम तब मुझे याद है मैं रेडियो चैनल में था और वो गाने बड़े हिसाब से चलाते थे. वो मैंने एक गाना चला दिया था, बाद में बॉस ने मेरे को बहुत हड़काया था. फाइनली जब नेशनल अवार्ड मिला तो मैं उसके पास जाके बोला, मैंने कहा था ना यही गाना है जो किल करेगा. यू नो हाउ वो अगर मैं आप दोनों की जोड़ी की बात करूं, व्हेन यू वर्किंग विद अनुराग कश्यप, तो वो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ यार कूल डायरेक्टर है, कूल चीजें होने वाली हैं, या एज कंपेयर्ड टू अदर डायरेक्टर्स? सर के साथ मेरा एक्सपीरियंस डे वन से अलग ही रहा है. इट्स नेवर बीन विद एनी अदर डायरेक्टर. हमारा प्रोसेस आई थिंक एक बन गया है, बहुत फ्री फ्लोइंग सा बन गया है कि ही जस्ट टेल्स मी अ ब्रीफ ऑफ व्हाट द फिल्म इज
and then he lets me be. मतलब छह महीने के लिए then he disappears from my life. And literally that's been happened in Devdi से लेके अब तक. And वो छह महीने में whatever I have gathered, जो भी information I have gathered from sir, उसको मल करके उसको मतलब अपने दिमाग में रख के I just do anything. Honestly, I just do anything that I feel like. And it just and he comes and he just sits. It beautifully sits. It's a free flowing process. It's an organic process of working. Yeah. Organic and is the word of organic process. Because har aadmi apna best hi karna chahta hai. Agar best nahi karna chahta to aap usko le kyun rahe ho? Bilkul. Aur jahan tak best karne ki baat hai, main bhi wo best kar lun jiske liye mujhe bulaya. Bada organic sa hai sir. Yahan pe jitne sare log baithe hain, you know, they would want you to sing a couple of lines sir. Koi bhi jo favorite, I know. Bada organic sa hai, mereko lekin karna padega. Amit bhai, ek do line to banti hai jo is pure jukebox mein jo ki already super duper hit ho gaya hai, usme jo sabse favorite hai. Request aa rahi hai, wah kamaal hai. Gangor connection. ऐसी है मेरी सिचुएशन जो पीछे पीछे भागू तेरे मैं हरदम इंटेंस बड़ा ही है यारा ये तेरा मेरा तेरा घंगोर कनेक्शन तूने रखी थी पहले कंडीशन तुझे देखा 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 जागा इमोशन सचमुच बड़ा सिक है यारा ये तेरा मेरा तेरा घंगोर कनेक्शन ओ कनेक्शन कनेक्शन ये कनेक्शन जो आपका ऑडियंस के साथ है ना ये भी बड़ा घनघोर है एंड आई एम श्योर ये ऐसे ही रहने वाला है सो विथ योर काइंड परमिशन नाउ इट्स टाइम टू प्ले द ट्रेलर ओके कर लेते हैं हाँ कर लो है ना ठीक है सर ने कह दिया हाँ कर लो तक लिया जाओ तुम लोग चलाते हैं सो लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू अमित भाई थैंक यू अनुराग सर ऑल आईज ऑन द बिग स्क्रीन एज वी प्ले द ट्रेलर ऑफ दिस वंडरफुल वंडरफुल मूवी फॉर यू फॉर द फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत ये जो ढली हो आप ये किसको देख के ढली हो कहां से आया ये कैसे प्रेप किया इसके लिए एक्चुअली सलोनी अम्मी अमृता का टिकटॉक पर्सनैलिटी है तो आई एम नॉट एक्चुअली टिंग टोंग पर्सनैलिटी है सॉरी टिकटॉक नहीं है टिंग टोंग पर्सनैलिटी है तो एक्चुअली जो डायलेक्ट और सब है सलोनी अम्मी का मैंने अनुराग सर को बहुत बार पूछा आई वॉज लाइक अनुराग सर वॉट प्रेप डू हाउ डू आई प्रेप फॉर दिस एंड ही वॉज लाइक Amrita is also natural. She doesn't have that dialect. Right. Don't stress about getting it natural. I was like, when people see it, they'll be like, "Ye kya hai?" But I think you know, just trusting Rahul, Anurag Rahul, sir at every. Rahul Badwelkar. Yes. Yes. Is from Bhopal. And Saloni Ami is inspired by someone really. It's from yeah. Saloni. Right. Okay. Correct. Nazma. Nazmi. Napi. Yes. So yeah, it's a very interesting film. I think it challenged me on many levels as an actor. Right. Because we're playing multiple. Okay. Bas confirm karna tha. So we're playing two different. Karan and I both are playing two different characters. So totally there are four characters in the film, and then with Ammi, I have a third character to play. Right. So it's been quite an experience. Yeah. And yeah. As Anurag sir was talking about our daughter-father relationship, yeah. Yahan pe, how was this relationship with these wonderful, wonderful people? Of course, Amit sir, music, and Anurag Kashyap, when he's directing you know, Ji. After Jawani Jaane Man, jahan pe ek achhi si daughter bane ho aap, uske baad abhi kuch din pehle, negative nahi bol sakta main, unko to grey shades wali, Ji. You know, aap bani thi Freddy mein. Aur abhi yahan pe, so what do you have to say? About Anurag sir? Yes, of course. अनुराग सर के बारे में क्या ही बोलूं तारीफ मत करना थोड़ा सा ना कुछ ऐसा दे दो जो छप जाए हर जगह अरे बट आई हैव नथिंग बट तारीफ टू से ऑनेस्टली जब मैं अनुराग सर से मिली थी वो एक्चुअली मैंने इस फिल्म को जवानी जाने मन से पहले ही साइन किया था दिस वाज सपोज्ड टू बी माय फर्स्ट फिल्म आई थिंक आई साइन दिस फिल्म व्हाट 5 इयर्स अगो ना 4 इयर्स अगो 2018 5 years ago. तो उस टाइम पे मैं अपने टेस्टिंग फेज में थी बहुत मीटिंग्स कर रही थी बहुत ऑडिशंस दे रही थी मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स मिल ही नहीं रहे थे एंड एक पॉइंट पे वो डाउट आ जाता है ना कि एम आई केपेबल ऑफ बीइंग इन दिस इंडस्ट्री डू आई हैव व्हाट इट टेक्स एंड आई रिमेंबर एट दैट टाइम आई मेट अनुराग सर एंड ऑन एन इंस्टिंक्ट मैंने एक रील बनाई थी एंड सीइंग दैट रील 7-minute रील इट वॉज वॉच इट विद फुल फोकस और 7 मिनट के बाद ही लुक्ड एट मी ही सेड आई हैव अ फिल्म दैट्स परफेक्ट फॉर यू ही इज लाइक विल यू डू माय फिल्म एंड
that just gave me this incredible sense of belief in myself that someone that's known for scouting out talent and nurturing talent has seen something in me. I was like, my God, what is this? I was actually prepared to send her back. Yeah. When I entered the room, he was like, I don't do films of your time. I said, teri film mein banata hun, you know, I don't have anything for you. And 7 minutes later. So thank you for all the confidence you gave me. Good bachcha. Amazing, amazing. Thank you so much for sharing all that. And this is cool AF. Let me tell you. Thank you. Hai na? Yeah, pun intended. All right. So now, ladies and gentlemen, it's time to introduce to the world of Indian cinema this super cool insaan jisko introduce kiya hai. Imagine Anurag Kashyap ne apni film mein liya hai. Talent ki to khani hoga ye insaan. Give it up for Karan Mehta, ladies and gentlemen. Come on, make some noise for this wonderful, wonderful person. Inke jalwe already dekh liye humne. Karan, congratulations and welcome to movies. I take this opportunity of saying that to you. You know, when it's your first movie and that too, जिसको डायरेक्ट किया हो अनुराग कश्यप साहब ने, लिखा भी उन्होंने हो, तो कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है? बहुत एक्साइटमेंट है सर, ऑनेस्टली इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. मेरे लिए तो कभी सोचा नहीं था कि मैं अनुराग सर के साथ पिक्चर करूँगा. बहुत सारी चीजें सोची थी बट ये नहीं कभी सोचा था. तो एक्चुअली मैं क्या हुआ कि मैं और मेरे दोस्त शॉर्ट फिल्म बनाते थे साथ में. तो हमने बहुत सारी बनाई, कुछ तो हम दिखाना भी नहीं चाहते लोगों को. उनमें से एक अच्छी बन गई थोड़ी और हमने यूट्यूब पे डाल दिया. तो इनकी बेटी है आलिया, उन्होंने वो पिक्चर देखी और इनको दिखाई. और मैं बाथरूम में था. हाँ. ठीक है, बाथरूम में मुझे टेक्स्ट आया कि जो अनुराग सर है उन्होंने आपकी पिक्चर देखी है एंड ही वॉन्ट्स टू मीट यू. मैं बाथरूम छोड़ के सीधा भागा बाहर, क्योंकि हम कुछ और शूट कर रहे थे उस समय. सबको मैंने बोला अनुराग सर मिलना चाहते हैं और पिक्चर बनाना चाहते हैं. एंड नाउ आई थिंक वी आर हियर, ट्रेलर लॉन्च. लेकिन वो काफी साल समय लगा, 6-7 साल. सर क्या होता है, मतलब व्हाट इज इट दैट यू नो एवरीबॉडी वांट्स टू वर्क विद अनुराग कश्यप? व्हाट इज दैट वन थिंग? आज खुद की तारीफ आप करो प्लीज, बिकॉज़ यू आर टू मॉडेस्ट टू टॉक अबाउट इट. यू नो, सी आई थिंक पीपल गिव मी देयर बेस्ट. इट्स आई डोंट टेक द बेस्ट आउट ऑफ एनीवन. दे गिव मी देयर बेस्ट बिकॉज़ आई लेट देम बी देयर बेस्ट. सो मैं कुछ नहीं करता हूं. प्रॉब्लम क्या होता है कि सब लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं चीजों को, तो वो टैलेंट भी कंट्रोल कर लेते हैं, उसको उभरने नहीं देते. वैसा कुछ नहीं, मैं कोई जादू नहीं करता हूं. कोई जादू नहीं करता, मैं सिर्फ लोगों को अपना बेस्ट देने देता हूं. सो आई डोंट टेल एनीवन व्हाट टू डू. एंड बाकी नर्चरिंग, मतलब मेरा जो प्रोसेस होता है, बहुत मेरे दिमाग में किसी भी एक समय पे 5 या 6 फिल्मों की स्क्रिप्ट चल रही होती है, लिखी होती है. तो मेरे को पहले ये फिल्म बनानी थी, लेकिन इसके लिए सही कास्टिंग चाहिए. तो पहले ये मेरे को 2016 में ये मिला, 2018 में वो मिली. जब वो मिली तब मैंने कहा अब ये फिल्म बनेगी. तो उसके बाद फिर अमित के साथ हमने 2017 से म्यूजिक पे काम करना शुरू कर दिया, छोड़ दिया. मैंने कहा ये स्पेस जो है, जब इसके पास बाकी फिल्मों से समय हो तो ये मेरी फिल्म पे काम करे. तो इसलिए मैं इतना समय देता हूँ. और फिर इसके साथ भी मिला, इसको होमवर्क दिया. 2 साल इसने भी अपना होमवर्क किया, पार्कोर किया. 3 साल पार्कोर किया, सब कुछ सीखा इसने पिक्चर के लिए, क्या क्या सीखना है. मैं खाली टाइम पे बोर हो रहा है, आजा मेरे सेट पे, असिस्ट भी कर लेता था. So that's how I work with Alaya also. I give them and let them be. Right. और ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है अलाया के साथ. ऐसा जब इनकी जवानी जाने मन आई थी, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए. That you have to introducing types. जो काम मिल रहा है काम करो. बिल्कुल. तो वैसा होता था. और उस स्पेस में ये लोग अपने आप ही निखरते. हर कोई अपने आप अच्छा ही करना चाहता है. I always believe that people want to do their best. Right. मैं बता दूं सर, इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ना ये जो इंटरेक्शन है, दिस इज आल्सो वेरी ऑर्गेनिक, कि वो लग रहा है कि हाँ ठीक है, छोड़ा है जो है वो सबके सामने आना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई योर मूवीज आर डिफरेंट. आपने कहा कोई जादू नहीं करता, जादू करते हैं हम बड़े पर्दे पर सर. ये मैं बता दूं, यहां पे सब लोग मानेंगे. इट्स टाइम टू इन्वाइट ऑन स्टेज द प्रोड्यूसर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, रंजन सिंह साहब एंड कबीर आहूजा. गिव इट अप फॉर देम प्लीज. अच्छा, मिक्स मैच जो सिनेमा हॉल जहां पे हम बैठे हैं, ये रंजन सिंह ने ही शुरू किया था सालों साल पहले. और पहली बार कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं. फाइनली यू नो वी गेट टू सी दिस ऑन द बिग स्क्रीन. यू नो गेटिंग दीज टू वंडरफुल वंडरफुल पीपल एंड दिस अमेजिंग फ्रेश कास्ट, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी यू नो आज के समय में स्केप्टिकल कि भाई फ्रेश कास्ट होगी, क्या होगा, कैसे होगा. लेकिन यहाँ जो देखा है बिल्कुल जेन जी की ट्यून के साथ चल रहा है. व्हाट डू यू हैव टू से? एक्चुअली व्हाट यू हैव बीन सेइंग इज द राइट थिंग. एवरीथिंग इज सो ऑर्गेनिक. राइट. सो जैसे सर ने बोला, 2016 में करण मिले, फिर अलाया, फिर म्यूजिक. वैसे हम प्रोड्यूसर्स भी ऐसे ही मिले इस राइट. सो वी जॉइन द लास्ट
But like you said, everything has turned out so organic for this film, and what has come out on the screen is that only. Yeah. It's pure, honest, and organic. Right. So that's what I have to say. Right. So there's a lot of buzz. इस फिल्म को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं जब से टीजर आया और यहाँ पे तो सोने पे सुहागा है द सॉन्ग्स आर आल्सो आउट यू नो जुकबॉक्स है उसको भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है हाउ डू यू सी इट रिलीज के पहले आई एम जस्ट हैप्पी दैट यू फाइनली गेटिंग इट आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी टू रिलीज इट आई आल्सो केम इन द एंड सो आई एम जस्ट एक्साइटेड एंड आई मीन व्हाट कुड बी बेटर देन हैविंग हिम एंड हिम एज बी पार्ट ऑफ माय फर्स्ट मूवी आई वाज जस्ट टेलिंग हिम That I remember listening to the Devdi soundtrack for 8 years in my car. So it's just, I'm just lucky. So I'm excited and nervous. हम लोग की फिल्म ऐसी होती है, मतलब लोग मिलते रहते हैं, कारवां बढ़ता जाता है. बिल्कुल, बिल्कुल. और ये कारवां आगे लेके गए, इसके पीछे एक और नाम है. He definitely understands his audience, ladies and gentlemen. Head करते इस production studio को, Z Studios से शारिक पटेल साहब, जोरदार तालियां हो जाए, please. Z Studios is famous for creating revolutionary content और redefine किया है entertainment space को एक बार नहीं बार बार and Sharik sir अब तो global platform की अगर मैं बात करूं international level की बात करूं Z Studios is acknowledged everywhere across the globe how do you see this movie अपनी filmography में जबकि इतनी सारी languages इतने सारे channels को एक साथ लेके चल रहे हैं आप It's a young, fun. I mean, it's a young. I won't call it fun. It is partly fun, but it's a young film with an exciting star cast and fantastic directors, fantastic director, music composer. So it's a very important film in our slate. Right. और ये जो कारवां ये बोल रहे थे सबसे end में engine चल रहा था last bogie हम ही लोग हैं और वो end वाली bogie से अब हम लोग है ना धक्का मार रहे हैं आगे we're bringing it to the theaters. It's obviously a film we are all very excited by. The songs are doing wonderfully. Yeah. And you know, fresh, new, young cast, talented team. So we are all excited and fingers crossed. February 3rd. I'm sure, sir, कुछ तो धमाल करेगी. आप please बोलें आपका process भी कुछ ऐसे ही था जैसे अनुराग सर ने कहा कि ठीक है, फालतू pressure नहीं करते हुए जो चीजें हो रही हैं होने दो organically. So with you also was it like that? Because as you said, you came in the end. Yeah. So we're working with Anurag on another wonderful movie called Kennedy, which will be showcasing to the audiences and the world. I think in the next few months. Right. And that was also a very organic process of हमने भी छोड़ दिया इनको कि जैसे ये artist को छोड़ते हैं हम है ना director को छोड़ देते हैं कि अब आप है ना बना करके लाओ तो while we were in the process and you know on those edits and those meetings he said ये picture है हमारे पास आप बताइए क्या करना है तो I said हम लोग release कर देंगे we had the satellite and the music in any case so we said let's it's a relationship which even though Kennedy was the first one we signed but this is the first of the second of many more to come and wow. there'll be more associations going forward with Amit we had just done Rocket Gang with yes. Bosco so you know so we are working with the finest talent that is there and the studio becomes you know is a culmination or the aggregation of the talent you work with yaar hum log hai na khud to you know kar nahi sakte hain sab to jab you know ideas to find the right partners and let them do what they're supposed to do and you know everyone grows with that right thank you so much for sharing that is dream team ke liye ek bar taaliyan ho jaye please ab yahan pe ek sawal jiska jawab har koi janna chahta hai koi bhi aap mein se de sakta hai dj mohabbat kaun hai who is main hu main hu main sharik sir why do you think I've you know we approved this I'm dj mohabbat okay so dj mohabbat kaun hai wo pata lag gaya hame baki it's over to the wonderful wonderful members of the media aap log apna sawal jawab kar sakte hain usse pehle we'll do a quick photo op yeah are 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 kehte hain agar ek director writer ban jaye ho तो सोने पे सुहागा होता आपको कैसा लगता है राइटिंग के बाद लिखना जो है पहला स्टेज होता है फिल्म मेकिंग का तो काफी सालों से मैं दूसरों की स्क्रिप्ट अपने नजर से देख रहा था ये कहानी बहुत समय से मेरे अंदर थी और कुरेद रही थी नॉनस्टॉप तो जब ये दोनों मिले उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस शुरू हुआ और बहुत ही दिल से आई हुई फिल्म है और बहुत कुछ कहती है और उसको बहुत अच्छे से म्यूजिक से बांधा गया है लेकिन ये बहुत जरूरी फिल्म थी मेरे लिए एंड अमित जी जो आपने गाना गाया इसी फिल्म का ही था ना
हाँ जी हाँ जी, तो बड़ी अच्छी कंपोजिशन थी वो भी और जो हमने सुना ये भी। थैंक यू। तो कुछ कंपोजिशन के बारे में बताइए आपने। लाइक उस एक्चुअली उस गाने के पीछे ऐसा है कि अनुराग सर हमको हमेशा कुछ एक नया टर्म देके जाते हैं। लाइक देवडी में उन्होंने इमोशनल अत्याचार दिया था, फिर आई थिंक मनमोरजा में प्यार को प्यार कर दिया था। तो मुझे याद है कि मैं और शलीपा जी जो लिरिक राइटर है इस गाने के, हम लोग जैम कर रहे थे और हमने सर को बोला कि ऐसा कुछ इस फिल्म में भी दो। तो मुझे याद है दरवाजे निकलते निकलते उन्होंने दरवाजे पे ही बोल दिया, हाँ घनघोर कनेक्शन, एक उनको दिमाग में तभी शायद एक स्ट्राइक हुआ। तो हाँ फिर वहाँ उसको लेके हम चल पड़े। हेलो एक्चुअली हाँ दरवाजे से करेक्ट। हेलो दिस राज फ्रॉम संसद वानी हियर। कांग्रेचुलेशन टू ऑल द टीम एंड आई लाइक टू आस्क आलिया आलिया थैंक यू हाउ द केमिस्ट्री बिटवीन यू एंड विथ योर को-स्टार। मी एंड माय डियर को-स्टार हैव नोन ईच अदर फॉर द लास्ट 10 इयर्स। एक्चुअली we knew each other socially but not very very closely, but I've known him for a very long time. This was our first time in a work environment together, and we were bickering all the time. Ye ladte rehte non stop, but not in not in like a serious way, like in a very stupid way. Very Gen Z way. No, not even in a Gen Z way, in a very like 5-year-old kids arguing. Like I'd be like, you're stupid. He'd be like, you're double stupid. I'll be like, you're triple stupid and even stupider on top of that. You know, like very stupid things. He brought out some weird side in me, and I think I brought out some weird side in him. So it's a very special chemistry that we share. It's unlike any other sort of friend or co-actor that I've ever had. And there's this different level of comfort that's been really lovely to have throughout the process, during shooting and now during promoting this film and now finally releasing this film. Anurag ji, mera sawal aapse hai. Anji. Ji. Agar hum aapke cinema ki baat kare, to wo usko aapne kabhi daire mein nahi bandha. Agar baat kare, aap ek taraf Manmardiyan aur Devdi banate hain, to dusri taraf Gulal jaisi bhi film banate hain. आप जो लिखने की अगर हम बात करें, आप अगर मनमर्दिया लिखते हैं तो मनमर्दिया तो खैर उन्होंने लिखी थी, लेकिन उसमें आपका पुट तो था ही। तो आप दूसरी तरफ ब्लैक फ्राइडे भी लिखते हैं, तो बाकी निर्देशक अगर हम देखें तो वो लोग एक दायरे में ही अपने आप को बांध कर रखना पसंद करते हैं या एक सुरक्षित दायरा बनाकर रखते हैं। आपने हमेशा अपने ही दायरे तोड़े हैं, तो ये चीज आपको कभी वो नहीं करती है, इनसिक्योर नहीं करती है कि आपने अपने नहीं, को नहीं। इनसिक्योरिटीज से तो मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। हाँ। मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है, मतलब आप यहाँ पे क्यों आए थे, मैं हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ। जब सब कुछ छोड़ के, इतने सारे एजुकेशन के बाद, हर चीज छोड़ के आप आ गए हो यहाँ पे, तो फिल्म बनाने आए थे, एक फिल्म बनाना चाहता था या एक फिल्म में फिल्मों में काम करना चाहता। अब इतनी फिल्में बना चुका हूँ, इतनी फिल्मों का हिस्सा रह चुका हूँ जितनी किसी की फिल्मोग्राफी नहीं है। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल होता हूँ कि मुझे फिल्म बनाने को मिलता है। और अगर सुरक्षित दायरा जो बोलते हैं ना, वो उसमें आदमी सुरक्षित होके, सिक्योर होके, सेफ होके रिपीटेटिव हो जाता है, और वही आदमी आगे चल के बोरिंग हो जाता है। बहुत ईजी है मेरे लिए जाके गैंगस्टर फिल्म बनाना, बहुत आसान है। मैं अभी कल 3 अनाउंस कर दूंगा, सारी दुनिया आ जाएगी, पैसे दे देगी, लेकिन नहीं करना। मुझे और भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, खुद को भी एक्सप्लोर करना है। फिर आप मर जाते हो, फिर आप ऐसा हो जाता है कि अगर हाँ, जब मेरी टांग वांग टूट जाए और मैं बिस्तर से हिल ना पाऊँ, तो मैं वापस फॉर्मूला हैश रिहैश करता रहूंगा, फिर सर्वाइवल की बात हो जाएगी। अभी बहुत है मेरे पास। शारिक जी, आपसे एक सवाल है। आप जब आए जी में, तो आपने बहुत उसको एक तरह से कहना चाहिए क्रांति ला दी थी, क्योंकि मुझे आज भी वो बॉम्बे टाइम्स की कटिंग याद है कि एक साथ 7 शायद फिल्में थी जिनको नेशनल अवार्ड या उसकी वो हुई थी। तो आपका जो स्क्रिप्ट है उस पर बहुत वो रहा है, जोर रहा है, और आपने वो एक परंपरा भी शुरू की कि दूसरे जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो भी इस पर ध्यान दें। तो इस फिल्म में ऐसी क्या बात थी जो आपको स्क्रिप्ट के लेवल पे पसंद आई? ये तो स्क्रिप्ट तो हमने पढ़ी नहीं थी, ये हमने पिक्चर देखी क्योंकि वी गॉट इन राइट एट द एंड। और ये हमारा बेसिकली इट इज़ आर फेथ इन अनुराग, एंड एक जो एक एसोसिएशन जब चालू होता है
the timeline जो दो अलग अलग कहानियां जो इस फिल्म में चल रही हैं पैरेलली इज जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट ऑफ स्क्रीन प्ले द वे द फिल्म प्लेज आउट इज बेसिकली द म्यूजिक डायरेक्टर एंड म्यूजिक एंड द डायरेक्टर कॉम्बिनेशन विच रियली एंड एज आई सेड द यंग स्टारकास्ट हमने जब देखी हम लोग को देखा कि ये अराउंड वैलेंटाइंस डे एक अच्छा विंडो मिल सकता है तो वी पुट आर marketing strategy you know into this and distribution strategy rather than too much into the script kyunki script to already ye picture bani hui thi jab tak hum log involved hue the but you're right I mean as a studio jaise maine pehle kaha ke hamara kaam hai ke vibhin directoron aur writeron aur actoron ke sath kaam kare aur unko ek bar kahani samajh le unko apna kaam karne de और कभी अच्छी बनती हैं कभी ठीक बनती हैं कभी एकदम ठीक नहीं बनती हैं वो एग्जीक्यूशन रिस्क ये बिजनेस में है ही है तो वी हैव टू एक्नॉलेज इट एंड दिस वन्स टर्न्ड आउट टू बी वंडरफुल सो लुक हेलो यह करण यहाँ पे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और कुछ ही समय पहले आपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर अपलोड की थी शाहरुख सर के साथ एंड सर भी थे How he has inspired you in your real life and क्या कुछ आप अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहोगे Yeah, see, I think we've all grown up watching his films firstly and the thing that he has done जो उन्होंने किया वो सबको मालूम है the way he's been and actually में जो उनके बेटे हैं वो मेरे दोस्त रहे हैं और हमने उनको बचपन से देखा है उनसे सीखने को बहुत मिला है वो सांस भी लेते तो हम बहुत सीखते हैं तो यही है कि एक्चुअली में उन्होंने हमें चांस भी दिया अपनी फिल्म में काम करने के लिए एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर तो उन्होंने बहुत सिखाया रईस में असिस्टेंट था जी तो मैंने उधर भी असिस्ट किया एंड जस्ट कीप्स टीचिंग अस ही इज फुल ऑफ नॉलेज एंड इवन एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज जस्ट सो इंस्पायरिंग ही इज काइंड टू एनीबॉडी एंड देयर इज नो सच थिंग कि इवन व्हेन यू आर विद हिम ही डजंट मेक यू फील लाइक कि मैं शाहरुख खान हूँ मतलब ही इज जस्ट अ नॉर्मल चिल गाय है So that's the kind of person you want to be. That's what कि मुझे ऐसा ही बनना है कि यार एक अच्छा इंसान जो बस अपना काम करता रहे passion है काम के लिए That's one thing. Hello. शारिक जी यहाँ पे मेरे शारिक जी आपसे जानना चाहूँगा How was your association with Anurag sir? Lovely. We are. It's as I said. It's the beginning of an association. We've known each other for many years 2006 yeah I was working in midday when he was making Bombay Black Friday fir jab Bombay Velvet ki script likhi ja rahi thi I was in Viacom and we were the producing we were the studio development you know into that and then of course you know I moved out and the entire movie moved out so I've known him for many years and to those were so abhi ja kar ke ek association बन रहा है एंड एज आई सेड दिस इज द फर्स्ट ऑफ मेनी एंड यू विल बी हियरिंग अ लॉट मोर अनाउंसमेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ईयर एंड वी होपिंग दैट द एसोसिएशन बिटवीन अस पर्सनली एंड आवर कंपनीज यू नो कंटिन्यूज टू यू नो इज देयर एनी ड्रीम प्रोजेक्ट एवरी प्रोजेक्ट ऑफ हिज इज अ ड्रीम फॉर हिम एंड इज अ ड्रीम फॉर अस सो वी आर या नो सो ऑल ऑफ देम आर यू नो आई सी द डिफरेंट स्केल्स ऑफ फिल्म्स राइट एंड आई थिंक विद अनुराग देयर इज अ सर्टेन he's very passionate about the subjects he's making and sometimes they are small sometimes they are minuscule sometimes they are big so there's no dream project every project will have its own will go on its own journey and become a dream project that's how it will be hi sir alaya here ek podcast hai almost pyar with dj mohabbat podcast ka naam hai aur ye dj mohabbat ek insaan hai jisko log sunte hain bacche sunte hain और बच्चे कनेक्ट करते हैं ही टॉक्स टू देम अबाउट एवरीथिंग और ये लड़की उसकी बहुत बड़ी फैन है जो उनके कॉन्सर्ट पे जाना चाहती है और कहानी वहाँ से शुरू होती है और वो कॉन्सर्ट का नाम ही ऑलमोस्ट प्यार वी डीजे मोहब्बत है और जनरली उसके कॉन्सर्ट्स का वो हिंट्स पॉडकास्ट में डालता है तो लोग पता करके अपने आप आते हैं और एक ये वेव जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे लोग जाते हैं म्यूजिक फेस्टिवल्स के लिए इसके लिए उसके लिए तो वैसा है वो पॉडकास्ट का नाम है हाय सर अलाया हाय स्ट्रेटर ओवर योर
Russell from PTI. Hi. Alaya, you have done two films till now. This would be your third. Yeah. And 2020 was Jawani Jaane Man, then recently Freddy, and now this. Your choices have seemingly been very conscious, and they have not been in the typical mold of somebody who comes new into the Hindi film industry. So how does it feel, you know, being away from this rat race? Because you earlier said also that you were doubting before you got Jawani Jaane Man. Yeah. So how does it feel being away from this rat race? Are you completely secure in the space? I think as an actor, you're never really completely secure. I think also if I was feeling completely secure, I would lose half my hunger and motivation and drive. I don't think I can ever allow myself to feel completely secure. Do I feel content and happy and grateful? Yes, I definitely do. I'm really grateful that people have come to me with such amazing projects. Of course, Jawani Jaane Man and Almost Pyar was Jawani Jaane Man I tested for, and then I happened to get. And Anurag Sir's, he saw my reel and really liked it. But all the other projects are wonderful projects that have come to me because the makers, directors, producers believed it was something that I could really do well in. And, you know, now when I look at it, now this is my third, and in this coming year, there are three more after this. And when I look at the lineup, I suddenly realized the other day, I was like, I have a film in every genre. And that's quite an incredible feeling so early on in my career. So I feel very grateful and very excited, you know. I feel like the time that the pandemic took away from my career, I finally feel like I'm getting it back. And I can't wait for everyone to see and hopefully like all that I've done. Anurag ji, I would like to know from you also. We have all heard about, heard about your love for directors like Tarantino, Martin Scorsese. And there was a photo op also you got with Scorsese at Cannes, and you were like fanboying with him. Is there any Indian filmmaker who you feel is as inspiring as those two legends for you? And would you like to, you know, fanboy with one of those filmmakers? Yeah, wo hai nahi, Gurdutt sahab. रहे नहीं वो तो मैं उनकी एक उनकी फिल्म प्यासा और दूसरी जो अब्रार साहब ने डायरेक्ट की थी साहिब बीवी और गुलाम वो मेरी दो फेवरेट फिल्म्स हैं जिनको मैं कई बार रिविजिट करता हूँ जी मैम हाय सर माय क्वेश्चन इज फ्रॉम टू योर राइट हाय माय क्वेश्चन इज फ्रॉम रंजन एंड कबीर सर जैसा कि शारिक सर ने बोला कि आप लोग ट्रेन की वो आखिरी बोगी थे जो आए ऑन बोर्ड तो व्हाट मेड यू बोथ उन्होंने तो बता दिया व्हाट मेड हिम कम ऑन बोर्ड व्हाट मेड यू बोथ कम ऑन बोर्ड फॉर दिस फिल्म वन ऑफ कोर्स इट्स अनुराग एंड लाइक शारिक आल्सो मेंशन इन एनीथिंग टू डू विच अनुराग इज ऑलवेज एक्साइटिंग टू इफ यू आस्क मी रियली लाइक पर्सनल I think the music is great and the story, if you ask me, it's for the first time we are attempting this kind of a story for the segment that we are talking about. It could be Gen Z, I don't know the exact definition, could be a millennial, but that's the main thing. And also we've tried to do what happened 15 years back when Dev D had come. There was a new sound, there were new actors and there was this new music. We are hoping that we are also on the same track. और जिसका कोई टेस्ट मार्केट नहीं होता है हाँ तो हम लोग खुद ही बाउंस कर करके यंग लोगों के साथ और फिर धीरे 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 सब लोग मैंने बोला देखिए कारवां बनता जाता है फिर धीरे धीरे सब लोग आते हैं और देखते हैं रिएक्शन देखते हैं ये किस ये मैंने अक्सर हमारी हर फिल्म के साथ ऐसा ही होता है वो अपने आप में जब पहली बार होती है तो सब लोग वेट करते हैं देखने के लिए कैसे आगे जाएगा कौन रिएक्ट करेगा कौन रिस्पॉन्ड करेगा बाकी तो कहानी इमोशनली आपको बांध के रखनी चाहिए बस और हाय अनुराग रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज मेरे दो छोटे सवाल एक फिल्म से रिलेटेड और एक फिल्म के अलावा अनुराग आप हमेशा से बहुत इंटेंस फिल्में बनाते रहे हैं चाहे पांच की बात हो ब्लैक फ्राइडे की बात हो गुलाल की बात हो या अगली या गैंग ऑफ वासेपुर सारी मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं जब आप लव को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं पर्दे पर जैसे कि देवडी में आपने किया था मनमर्जिया में किया था ऑलमोस्ट प्यार डीजे मोहब्बत में वो क्या चीज है कि आपको आप बार बार पर्दे पर प्यार को एक अलग ढंग से पेश करने की कोशिश करते हैं देवडी में हमने एक अलग अंदाज देखा मनमर्जिया में आपने बहुत इसमें भी अलग ही एकदम नई चीज देखी मतलब हम मैं जनरली
मैं रिलेशनशिप एक्सप्लोर करता हूँ. मैं लोग जनरली हमारे यहाँ एक जॉनरा है लव स्टोरी का, तो जिसको मैं फॉलो नहीं करता. मतलब एक लड़का लड़की मिले, प्यार हो गया, कभी विलेन होता है कभी नहीं होता है. आई एम सेइंग वो कहानियाँ मुझे कहनी नहीं है. मैं रिलेशनशिप्स और लोगों को एक्सप्लोर करता हूँ, चाहे वो देवडी के थ्रू हो, चाहे मनमर्जियाँ के थ्रू हो, चाहे ऑलमोस्ट प्यार हो. और ये एक अलग जनरेशन है जिसको मैं बिलोंग नहीं करता हूँ. ये जनरेशन को मैं समझने की कोशिश करता हूँ. तो ये एकदम नई दुनिया है, मेरे लिए भी नई दुनिया थी. इसमें भी मैं कूद गया था समुद्र. इट्स लाइक समुद्र में आप कूद जाते हो तो फिर आप डाइविंग सीख जाते हो. तो ये था कि हाँ, कहानी कहनी है, इनकी कहनी है. और मेरी बेटी का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा इस फिल्म में थ्रू आउट. और वो है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म वहाँ से आई है, ये फिल्म देखने के लिए कि हम जो हैं, हम हमारी जो जनरेशन है, इस फिल्म की इनविजिबल विलेन है. इस फिल्म की इनविजिबल विलेन हमारी जनरेशन है, जो हमें लगता है कि हमें सब पता है और हम अपने बच्चों की जिंदगी कंट्रोल करना चाहते हैं. और हमारी कंडीशनिंग, हमारी पेट्रियार्की, हमारा जो है जिससे हम खुद को नहीं निकाल पा रहे, वो हमारे बच्चों के लिए विलेन है, हमारे बच्चों की बाधा है. और वो जो है वो कैसे दुनिया को देखते हैं, उनका प्यार कैसे होता है, उनके रिश्ते कैसे होते हैं, ये वो फिल्म है. और आप इसमें, ये फिल्म उनके बारे में तो है ही है, लेकिन ये फिल्म बहुत ज़्यादा आई थिंक हमारे जनरेशन के लिए है, तो हमारे जनरेशन के माँ बाप के लिए. अनुराग, एक छोटा सा और सवाल, आखिरी दो सवाल लेंगे. एक छोटा सा और सवाल अनुराग, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप हमेशा से सेंसरशिप से लड़ते रहे हैं और बॉयकॉट ब्रिगेड जो है दोनों से लड़ते रहे हैं, और आप हमेशा खुलकर बात करते रहे हैं. इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी ये बात कही है कि कोई भी नेता उठ के किसी भी फिल्म के बारे में कुछ भी बोलने लगता है और सारे दिन टीवी पे वही चलता है, तो लोगों को बचना चाहिए फालतू में कमेंट करने से. आपको ऐसा लगता है कि इससे जो बॉयकॉट बॉलीवुड ब्रिगेड जो है उसका असर कम होगा, लोग उनके मैसेज को सीरियसली लेंगे? क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा कमेंट किसी इतने बड़े नेता की तरफ से नहीं आया था, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के नेता इस तरह वो अगर 4 साल पहले कह देते तो वाकई फर्क पड़ता. अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने ही लोगों को काबू कर पाता है. मतलब चीज़ें हाथ से बाहर निकली हुई हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कोई किसी की सुनेगा. बहुत जब आप प्रेजुडिस को एम्पावर करते हो साइलेंस से, जब आप हेट्रेड को एम्पावर करते हो साइलेंस से, और वो इतनी ज़्यादा एम्पावर हो चुकी है कि वो अपने आप में ही एक ताकतवर बन चुकी है, वो मॉब बाहर निकल चुका है. We'll just take one last question. Hello. Amit or Sharik, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? Amit, coming. Hello. Anurag ji. Ji, पूछें सर. No, I think दे राय दुरुस्त है. I think we are happy that a statement has been made, and obviously it was actually Anna Sunil Shetty who actually also brought it up in the meeting with Shri Yogi ji in Bombay, I think a couple of weeks ago. तो आई एम हैप्पी इट्स हैपेंड बिकॉज इट्स समथिंग विच इज, क्योंकि किसी को समझ भी नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. बट यू नो, अगर इफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेड इट, आई होप दैट इट एटलीस्ट स्लोज डाउन. अनुराग इज लिटिल सिनिकल अबाउट दिस, एंड यू नो मे बी, सो आई जस्ट होप ही गेट्स प्रूवन रॉन्ग, एंड यू नो इट जस्ट बिकम्स, वी ऑल होप दैट, एंड वी जस्ट होप दैट इट डज. You know, stop. I mean, films are meant to entertain. Na, हम लोग जो बनाते हैं सब, आप, you know, for the मनोरंजन of the audience. कभी अच्छी बनती हैं, कभी, as I said, ठीक से नहीं बनती हैं कोई. But so I think it's good. I think it's laudable, and as an industry, we're happy he's done that. Hi, Anurag साहब. Sir, आजो. Hi, कह रहे हैं. ना, आप फिल्म के बारे में बात करिए, हमें को दूर रखिए उससे. थैंक यू नितिन. माय क्वेश्चन इज फॉर अलाया. यू नो, आई लिसन टू द एंटायर म्यूजिक यस्टरडे. आई मीन, आई रियली, द म्यूजिक वाइल देयर इज कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, बट द वर्ड्स आर लाइक, द लिरिक्स आर लाइक, आई थिंक जेन जी वुड बी द एप्रोप्रिएट वर्ड. वन ऑफ द सॉन्ग्स ऑब्वियसली व्हिच रियली टच्ड मी इज मेंटेनेंस. Mr. Kashyap mentioned about earlier generation. I also come from the 80s. And during my time, obviously, this word, like if I liked A, B, or C,
you know, there were all the people around me that are bhai chhod de, wo bahut high maintenance hai. So I wanted to know from your personal end, you know, you belong to this new generation. In today's time, if somebody of your the youth, you know, comes and is interested in you, does he need to also ensure that certain maintenance ka bill bhi bharna padega? Dard nikla hai sir ye to. Basically, you're asking me if I'm high maintenance or not. No. I'm making it clear. I'm asking for the current generation. Obviously, I come from Mr. Kashyap's generation probably. See, I feel like any generation you're in, there will be people that are a little high maintenance and a little people that are not high maintenance. I feel like that's more a personality thing than a generation thing. Is my opinion. Anyone that has another opinion. So, and for me personally, sometimes I can be very high maintenance, sometimes I'm not. But my personality changes every week, so I don't even know what I am. But generally, yeah, I don't think it's a generation. I guess the maintenance cost has increased with the economy increasing. Maintenance cost must have increased for sure. Mr. Kashyap, obviously, hello. You mentioned about it briefly. You know, one of my senior colleagues asked you. And when I look at your films like Manmarzia or, you know, now this film, like I always ask myself, is Anurag Kashyap flirting with romance? You know. Matlab romance to... Is flirting with romance genre in cinema? Nahin, my romance to Vasipur mein bhi tha. Aur romance to Bukkabaz mein bhi tha. The primary story is obviously revenge there, you know. Primary story is, yes, relationships. Matlab primary story is the generation and the relationships. It's not really... everything is not really boy falls in love with girl, girl falls in love with boy, and that becomes a romance genre. So I don't think so. It's a film about kids. It's a film about us. It's a film about things that we see and confront. And it is a fun film. It's a fun film with because the characters are fun, because the youth is fun, because and they have their own things to deal with. Aapne maintenance ki baat ki, to this generation is about self maintenance. It's not about high maintenance or low maintenance. One more thing, it's also is a UA film. Anurag is a fun film, yeah. Which is the new thing. Sir, Anurag sir. Ek question. Aai. Ek last. Sir, Anurag ji, sir, yeah. Sir, aap se janna chahenge ki music matlab ki jaise 80s ki time ki baat ki jaye ya 90s ki baat ki jaye to music love story mein bahut important rehta tha sir. और मतलब कि काफी अच्छे म्यूजिक रहते थे तो आपके हिसाब से मतलब कि आप आजकल के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि मतलब इतने अच्छे म्यूजिक्स हो नहीं रहे हैं तो मतलब कि क्या लग रहा है आपको कि मतलब कि कहाँ कमी आ रही है? I think वो म्यूजिक मेरे लिए हमेशा से फिल्म में इम्पोर्टेंट रहा है और मैं म्यूजिक के बिना फिल्म नहीं बना सकता हूँ. कभी कुछ फिल्में होती हैं जिसमें म्यूजिक की जरूरत होती है, कुछ फिल्में होती हैं जिसमें म्यूजिक का उतना बड़ा स्थान नहीं होता है. और मुझे नहीं मालूम कि हम लोग इस हिसाब से नहीं बनाते हैं, म्यूजिक नहीं करते हैं कि ये चल रहा है तो उसका एक वर्जन बना दिया या वो चल रहा है तो उसके हिसाब से कर लें. हम लोग हमेशा कुछ नया करने की ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं क्या चलेगा कि नहीं चलेगा. सो मार्केट में क्या गाना चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जिधर भी देखो लोग म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो कुछ तो चल ही रहा है ना भाई. जहाँ देखो लोग म्यूजिक सुनते हैं, जहाँ देखो लोग कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं, अमित आजकल कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, जो शो देखो उसमें गाने बज रहे होते हैं. तो म्यूजिक का चलना क्या होता है और नहीं चलना क्या होता है और कैसे तय होता है ये मुझे नहीं पता. कोई फॉर्मूला है? अनुराग साहब, लास्ट क्वेश्चन. जी सर, आइए. अनुराग साहब, सिराज सैयद फ्रॉम filmfestivals.com. सवाल आपसे ये है कि जेनरेशन गैप तो हमेशा रहा है. हमेशा मतलब आपके जमाने में आपके माँ बाप के साथ रहा होगा, उनके जमाने में उनके माँ बाप के साथ रहा होगा. जैसे एक लाइन आपकी थी कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. करेक्ट. इसी तरह माँ बाप बेटा बेटी के दोस्त हो सकते हैं या नहीं? यही आपकी इस फिल्म का मौजू है और नहीं है तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी देखिए जनरेशन कैसे, मेरे और मेरे माँ बाप के बीच में एक जनरेशन का फर्क था, लेकिन मेरी बेटी और मेरे बीच में कई जनरेशन का फर्क है. बिकॉज ये इंटरनेट आने के बाद जनरेशन जो है फोन के 2G 3G 4G से 5G चलेगी तो उतने ही जनरेशन भी जाते आगे. हर आईफोन के साथ एक जनरेशन बदल रही है, हर ऐप के साथ जनरेशन बदल रही है. जब हम लोग प्रमोशन करने निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे ये सब ये नई चीज़ें लड़के लोग कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम क्या हमारे बच्चे कहाँ क्या कंज्यूम कर रहे हैं और कहाँ देख रहे हैं चीज़ों को. वो एक बहुत ही अलग जनरेशन है. और जब ये सब सवाल मन में उठते हैं तो मैं जब पूछने गया तो मेरे को बहुत प्यार से एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट समझाया कि देखिए भाई ये दुनिया आपकी नहीं है, ये दुनिया उनकी है. आप इस दुनिया में माइग्रेंट हो, वो नेटिव्स हैं.
वो नेटिव्स हैं, तो उनको ये मत सिखाओ कि उनको कैसे जाना चाहिए, उनसे सीखो. सो ये बहुत बड़ी सीख मिली थी मुझे, और आई थिंक उसी हिसाब से भी हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि हम हमारी जड़ें ऐसी हैं कि हम लोग अपने आप को एक जगह बैठा देते हैं, हम बदलते नहीं एक पॉइंट के बाद. तो बहुत जरूरी है खुद को देखना और अपनी नजर को चेंज करना. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू. एंड या इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप. कौन था Thank you so much. And now we'll quickly have the chairs on stage. Yeah? Shukriya.